हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और आईपीएल लगातार देख रहे होंगे, चाहे किताबें कहीं और ही रह जाएं। ऑलराइट, चलिए अपना ध्यान रखो बच्चों, अच्छे से रहो, आईपीएल अच्छे से देखते रहो, थोड़ा बहुत टाइम मिले तो थोड़ी बहुत फिजिक्स भी पढ़ लेना, ठीक है? और जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, मैं तो कहूँगा कंटिन्यूटी बनाए रखो। अगर कंटिन्यूटी टूट गई ना बच्चों, तो इसमें कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है पता ही नहीं चलेगा, ठीक है? तो कंटिन्यूटी को बनाओगे, ये चैप्टर इतना इजी है, मैं तो कहूँगा आपको शायद दूसरी बार देखने की जरूरत ना पड़े, उसी समय याद हो जाता है, ऐसा चैप्टर है ये, ठीक है? चलिए, तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ को अपन पढ़ रहे हैं। दो परिपथ अपन ने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से वो परिपथ थे बच्चों? पहला था शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में क्या था बच्चों? हम बोलते हैं धारा और वोल्टता समान कला में थी, अर्थात दोनों के मध्य का कालांतर कितना? जीरो था, ठीक है? फिर दूसरा जो परिपथ था वो कौन सा था? शुद्ध प्रेरकीय परिपथ, है ना? इस परिपथ में क्या था? हम बोलते हैं एल परिपथ है, लेग बिहाइंड से याद करवाया था मैंने आपको, इसका मतलब धारा पश्चगामी है या फिर वोल्टता अग्रगामी है, कितना? 90 डिग्री, पाई बाई टू कोण, ठीक है? ये ध्यान में रखो। फिर शक्ति गुणांक वाला फैक्टर मैं आपको साथ में करवा रहा हूँ। शक्ति गुणांक ध्यान में रखने लायक चीज है बच्चों, बहुत सिंपल सा था। कोस फाई बोलना है, कोस फाई बराबर जो भी आ रहा है, एक आ रहा है तो अधिकतम है, शून्य आ रहा है तो शक्ति का कोई हानि ही नहीं हो रही है, ठीक है? चलिए, तो अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है, शुद्ध धारितीय परिपथ। धारिता कौन सी चीज से, कौन सी युक्ति से मिलती है बताएं मेरे को? धारिता कौन सी युक्ति प्रदान करती है? कुंडली प्रदान करती है? नहीं। प्रतिरोध प्रदान करता है? नहीं। संधारित्र कौन प्रदान करता है? संधारित्र हमें धारिता प्रदान करता है। तो इसका मतलब ये वो परिपथ है जिसमें संधारित्र ही लगा हुआ है और कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक? तो अब इसको बनाते हैं अपन, कैसा बनेगा देखो। तो संधारित्र बनाओ और फिर उसको किससे जोड़ दो? स्रोत से, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। V बराबर क्या बच्चों? वी एम साइन ओमेगा टी, यही है। चलिए, और ये क्या है? संधारित्र है C, इसके सिरों पर विभव पतन कितना होगा? आंसर है VC, ये मान के चल सकते हैं ना। चलिए, अगर हम किरचॉफ का स्टार्टिंग हमेशा कहां से करते हैं? किरचॉफ के द्वितीय नियम से करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं ना। चलिए, हमें वोल्टता का क्या पता होता है? तात्क्षणिक मान पता होता है। किसका तात्क्षणिक मान निकालते हैं? धारा का तात्क्षणिक मान निकालते हैं, ठीक? काम करना चालू करते हैं। तो हमने लिखा किसके नियम से? किरचॉफ के द्वितीय नियम या फिर लूप नियम से, और इसे हम और क्या बोलते हैं? केवीएल। क्या बोलते हैं इसे? KVL से। तो KVL से हमें क्या पता चल रहा है? हमने बोलना है वही समीशन V बराबर जीरो, यही KVL था, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लागू है, आधारित है। चलिए, अब क्या करना है? अब ये देखो, जितनी वोल्टता हमने दी वो सारी की सारी वोल्टता किसके सिरों पर? संधारित्र के सिरों पर जाएगी, ठीक है? अब यहां पर ध्यान में रखना है, जब यहां पर वोल्टता बढ़ रही है तो ये चार्ज होगा, है ना? और जब यहाँ पे वोल्टता कम होगी तो ये डिस्चार्ज होगा, मतलब संधारित्र कुछ टाइम के लिए आवेशित होता है, फिर निरावेशित होता है, फिर आवेशित होता है, फिर निरावेशित होता है, ठीक है? जब वो आवेशित हो रहा होगा तब ऊर्जा को ग्रहण करेगा, है ना, अवशोषित करेगा। जब वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, निरावेशित हो रहा होगा, तो वो ऊर्जा को युक्ति को प्रदान कर देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? चलिए, ये नॉलेज वाली बात थी, आप ध्यान में रख सकते हैं, ना? डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का मतलब क्या है? चार्जिंग मतलब खुद आवेश ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उपभोग कर रहा है ऊर्जा का, ठीक है? डिस्चार्जिंग का मतलब खुद चार्ज दे रहा है किसी को, इसका मतलब क्या है? वो ऊर्जा को प्रदान कर रहा है, इतना ही तो था, इतना ही तो लॉजिक है। चलिए, अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो ये समझिए, V को हम क्या लिखते हैं? Vm sin ओमेगा टी लिखते हैं बच्चों, यही तो है Vm sin ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से प्राप्त वोल्टता बराबर किसी संधारित्र के सिरों पर वोल्टता क्या होती है बताओ भाई? संधारित्र के लिए V बराबर, कभी कुछ याद था क्या ऐसा? कुछ Q बराबर CV लिखा था, याद आ रहा है? Q समानुपाती V, संधारित्र वाले कॉन्सेप्ट में यूज किया था। तो V बराबर क्या होगा बच्चों? Q बटा C होगा, सिंपल सा था। तो हमने लिखा ये होगा Q बटा C,
डन। चलिए यहाँ से हमें आवेश मिलेगा, धारा तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब आवेश आ गया तो धारा भी तो निकाल सकते हैं क्या भाई? आवेश प्रवाह की दर ही तो धारा होती है, तो आसानी से निकाला जा सकता है। तो पहले आवेश की बात करते हैं, तो ये तो गुणा कर दो, तो फिर ये फॉर्मेट क्या बना आवेश का? क्यू बराबर सी वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या है बताओ? कोणीय आवृत्ति। ठीक है, ओमेगा बराबर कोणीय आवृत्ति। अब ओमेगा का फॉर्मूला 2πf होता है। आवेश आ गया तो हमने लिखा धारा की परिभाषा से, हाँ भाई धारा की परिभाषा से क्या होगा? आई बराबर डी क्यू बटा डी टी होता है। ठीक है, क्यू का मान हमें पता है, तो डी बटा डी टी किया और क्यू का मान रख दिया, क्या भाई? सी वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, चलिए अब ये जो मान है इनको उठा करके बाहर रखो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? सी और वी एम को बाहर रखा, अंदर क्या बच गया? डी बटा डी टी और साइन ओमेगा टी। डन हुआ। चलिए अब क्या हो रहा है वो समझिए। सी और वी एम तो नियत मान था, हमने निकाल लिया। साइन का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। क्या होता है? कोस होता है, प्लस का या माइनस का? प्लस का। ठीक है, तो साइन का अवकलन कोस होगा और जो टी के साथ में गुणक है अवकलन में वो उठ करके आगे आता है, समाकलन में उसका भाग लगता था। ठीक है, तो अवकलन करेंगे तो इसको उठा करके आगे पटकेंगे, तो हमने बोला ये हो जाएगा सी वी एम और इसका करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा है वो उठ करके आगे आ जाएगा। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, कुछ बच्चे एक बेसिक गलती करते हैं, ये कॉस ओमेगा टी ऐसे सोचते हैं कि सर ने बोलता आगे उठा करके रखना है तो इसको उठा करके आगे रख दिया और यहाँ से हटा दिया। नहीं भाई, कोण चेंज नहीं कर सकते आप, ओमेगा टी अंदर भी रहेगा भाई, ये तो कोण था, इसको कैसे चेंज कर दोगे आप? हो गया। चलिए चूंकि ये धारा का तात्क्षणिक मान है, इसका मतलब ये धारा का शिखर मान है, ये ठीक, तो इसकी जगह तो आई एम लिखेंगे। और हमें कोस को किस में चेंज करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा। देखो प्लस का कोस थीटा आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, सिंपल था। चलिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई बराबर ओमेगा सी वी एम, और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू 90 प्लस थीटा, काम खत्म। चलिए अब इसके बाद में देखें इसको हम क्या लिखेंगे, आई एम लिखेंगे धारा का अधिकतम या फिर शिखर मान और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक, ये आ चुका है धारा का बच्चों क्या, तात्क्षणिक मान। आप यहाँ पे लिखेंगे जहाँ, क्या भाई क्या बताता हूँ मैं, आई एम बराबर क्या है फॉर्मूला, ओमेगा सी वी एम है। डन। चलिए ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इतना ही तो था। वोल्टा का तात्क्षणिक मान ये रहा, धारा का तात्क्षणिक मान ये रहा। बताओ इक्वेशन देख करके धारा आगे है या पीछे है? आगे, पाई बाई टू गुणा आगे पे वो प्लस आ रहा है ना, ये तो बेचारा ओमेगा टी पे अटका पड़ा था, ये ओमेगा टी से उठ करके और आगे चला गया, कितना 90 कोण आगे चला गया। तो हम इस केस को देख करके ही पता लगाते हैं कि क्या भाई, कि धारितीय परिपथ के अंदर धारा जो है वो वोल्टा से आगे चलती है पाई बाई टू कोण, या वोल्टा पीछे की ओर है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझिए, इसमें प्लस का पाई बाई टू कैसे याद रखेंगे? तो हम बोले सी परिपथ है ये, कौन सा है? सी परिपथ, कम ऑन या कैरी ऑन। ठीक है, कम ऑन याद रखो, सी से कम ऑन या कैरी ऑन मतलब आगे की ओर आओ। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, वो पीछे लैग की ओर जा रहा था इसलिए उसमें माइनस का याद रख सकते हो। इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हो किसमें प्लस का पाई बाई टू लगाना है, किसमें माइनस का पाई बाई टू लगाना है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये समझ में आ गया होगा, सिंपल था। ओके, अब क्या करेंगे, कालांतर निकालेंगे। कालांतर देखते ही पता चल गया होगा आप सभी को कितना है, पाई बाई टू ही है।
और अगर कालांतर पता चल गया है तो फिर क्या निकालेंगे, शक्ति गुणांक, और कितना आएगा, कोस फाई, फाई की जगह कितना रखोगे, 90, 90 रखते हैं कितना हो जाएगा, 0। ये लो भाई, तो काम करें क्या भाई, प्रत्यावर्ती, इस केस के अंदर ही बात कर रहे हैं, वोल्टता एवं धारा के मध्य कालांतर। एक चीज जो मैंने नहीं लिखी वो आप लिखेंगे बच्चों, क्या भाई, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, वोल्टता का तात्क्षणिक मान और धारा का तात्क्षणिक मान क्या बच्चों, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। चलो अब काम करते हैं, फाई तरीका क्या होता, मैंने आपको बताया वोल्टता की कला में से धारा की कला को घटाओ, वोल्टता की कला बताओ भाई ओमेगा टी, माइनस धारा की कला, धारा की कला क्या, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, है ना। चलिए क्या होगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस का पाई बाई टू, आपको देखने को मिलेगा जी जो फाई का मान आ रहा है वो माइनस का पाई बाई टू, माइनस का 90, ठीक है। ये बताता है, देखो यहाँ पर हम वोल्टा को ही सापेक्ष मानते हैं, तो ये बताता है कि वोल्टा जो है वो बेचारी पीछे की ओर चल रही है, इसलिए ये माइनस का पाई बाई टू, वोल्टा आगे की ओर चलती तो फिर प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। चलिए तो ये क्या है, माइनस के पाई बाई टू कालांतर से आ रहा है। अब कुल मिलाकर के कालांतर तो पाई बाई टू ही है, अगर कोई बोले तो पाई बाई टू बोल देना, लेकिन हाँ किसी एग्जाम के अंदर माइनस का प्लस का अलग अलग दे रखा हो तो फिर आप माइनस के ऊपर आप जाएंगे। ऑलराइट, अगर कालांतर आ गया तो हम क्या, हमें क्या लिखना है वो भी ध्यान में रखें कि यहां पर धारा अग्रगामी है, ये लिखना जरूरी है क्या भाई। अतः स्पष्ट है कि वोल्टता तथा धारा के मध्य कालांतर कितना है, पाई बाई टू है, एवं धारा वोल्टता से पाई बाई टू कोण क्या है बच्चों, अग्रगामी, क्या है, अग्रगामी है, धारा ही तो अग्रगामी है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, वोल्टता जो है, वोल्टता धारा से पाई बाई टू कोण क्या है बच्चों, पश्चगामी, पश्चगामी, ठीक है। ये समझ में आ गया, देखिए अब इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, शक्ति गुणांक की तो निकालना था, तो हमने क्या लिखना है, शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर, क्या था फॉर्मूला, कोस फाई, कोस माइनस का पाई बाई टू रखो चाहे प्लस का पाई बाई टू रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर फैक्टर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस केस में भी शक्ति गुणांक 0 है, इसका मतलब जितनी ऊर्जा अवशोषित होती है उतनी की उतनी वापस से स्रोत को प्रदान कर दी जाती है, तो मतलब शक्ति हानि हुई नहीं, एनर्जी लॉस हुआ ही नहीं इस केस के अंदर, ठीक है। ये समझ में आया, ये तो ये चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, ये शक्ति गुणांक मैं आपको लगातार करता करवाता हुआ जा रहा हूं ताकि आपको आगे दिक्कत नहीं आए। डन हो गया बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं, अब हम ग्राफ की ओर चलेंगे बच्चों। और ग्राफ में सबसे पहला ग्राफ कौन सा बनाना है, ज्यावक्रीय आरेख, कौन सा, ज्यावक्रीय आरेख बनाएंगे, और ज्यावक्रीय आरेख के लिए हमें क्या लिख लेना पड़ता है, सबसे पहले V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी,
और I बराबर आई एम साइन ओमेगा टी सॉरी प्लस का पाई बाई टू और ठीक है। चलिए अब देखो पहला ज्यावक्रीय आरेख कैसे बनाएंगे, सभी को पता चल गया होगा, आप तो ये सिंपल लगने लग गया होगा। हालांकि बच्चों को ज्यावक्रीय आरेख बनाने में दिक्कत होती है, ये मैंने बहुत बार गौर किया है, बच्चे आसानी से नहीं बना पाते ज्यावक्रीय आरेख। फेजर आरेख तो बहुत अच्छे से बनाते हो आप लोग। चलिए ज्यावक्रीय आरेख के अंदर सबसे पहले वोल्टा का आरेख बना लो आप। वोल्टा का आरेख क्या करना है, तो ऐसा ठीक है, यहां पर कैपिटल टी लिख देंगे एक आवर्त काल में पूरा। अब ये बोल रहा है कि धारा आगे चल रही है, भैया धारा आगे चल रही है तो इसका मतलब धारा को कैसे बनाएंगे, कुछ ऐसा ये ऐसा, यहां से चालू करो, वोल्टा जीरो थी धारा उसी समय अधिकतम हो गई है, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा यू। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ जाएगा ये, तो ये थोड़ा ध्यान में रखें कि ये ग्राफ किसके लिए बनाया है, वोल्टा के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए बनाया है, धारा के लिए। समय टी चल ही रहा है, फिर यहां पर ये प्रदर्शित करो टी बाई फोर, फिर टी बाई टू, फिर थ्री टी बाई फोर और यहां पर क्या टी। ठीक है, ग्राफ मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है बच्चों। प्रैक्टिस करोगे ना ग्राफ की तो आपको ये बहुत आसानी से तसली से बनाने में आ जाएगा, मतलब मुश्किल से दो मिनट लगेंगे, दो मिनट भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, एक मिनट के अंदर ग्राफ बनाओगे आप। ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिस मांगता है भाई, है ना, प्रैक्टिस बनाओगे तो ऑटोमेटिकली ये वेव्स बनना चालू हो जाएंगी। अब तो ये मेरे पास में थोड़ा दूर रह गया, ये थोड़ा कम बन गया, ये थोड़ा सा ज्यादा बन गया, लेकिन कॉपी होती तो बहुत अच्छे से आता है, फ्लो में आता है ये। ओके देखो, तो ये हो चुका है हमारे पास में, शिखर मान लिख लीजिएगा, इसका शिखर मान Vm, इसका शिखर मान Im। ठीक है, अब इसके बाद में कौन सा आरेख, फेजर आरेख, सबसे सिंपल आरेख अब लगता होगा आपको फेजर आरेख, वो आगे पता चलेगा आपको कौन कहां जा रहा है। ऑलराइट, तो फेजर आरेख देखो, फेजर आरेख में क्या बनाना है, एक्स और वाई बनाना है। ठीक है, ये x बना दिया और इस तरफ बने क्या बना दिया, y बना दिया। फिर बताया था ओमेगा t कोण के साथ में किसको बनाएंगे, v वाले पद को बनाएंगे, और vm उसका शिखर मान बताएंगे किससे, तीर के निशान से। तो ये हमने तीर का निशान बनाया, शिखर मान vm और ये वाला कोण ओमेगा t, और इस ओमेगा t से कितना आगे की ओर चलना है, प्लस का पाई बाई टू धारा के लिए। तो आगे की ओर चलो इससे 90, पहले पीछे की ओर चल रहे थे इससे 90, अब इससे आगे की ओर 90 चलो। आगे की ओर 90 स्केल की सहायता से बना सकते हो, नहीं बना सकते हो ये, ठीक, और इन दोनों के मध्य ये कितना है 90 है, ये ध्यान में रखें। और ये यहां पर इसका शिखर मान कितना आई एम, तो ये जो प्रक्षेप है ना इतना, ये आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होगा, जबकि ये जो प्रक्षेप है इतना ये होगा Vm sin of omega t। ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था। देखो मैं इसकी लंबाई को बढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि वोल्टा का जो मान है वो ज्यादा है, किसकी तुलना में, धारा की तुलना में। देखो इसका तीर का निशान पहले ही कंप्लीट कर दिया ना अपन ने, ये परिमाण को प्रदर्शित कर रहा है कि इसका अधिकतम मान कितना है, इसका अधिकतम मान ज्यादा था इसलिए इसको ऊंचाई पे ले गए, इसका अधिकतम मान थोड़ा सा कम था उसकी तुलना में इसलिए कम ले गए, यहाँ पे हमने धारा का परिमाण कम ही शो कर रखा है इसके हिसाब से। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि कैसे किस चीज को और कहां कोण को प्रदर्शित करना है। ओमेगा टी हमेशा किसके साथ में, वोल्टा, परिणामी वोल्टा के साथ में ही आएगा, फिर और तो सारी चीजें आपको पता चली जाएंगी। तो ये जो कोण होगा ना पूरा, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस का पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये था फेजर आरेख। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रतिघात की, और यहां पर धारिता है तो ये धारितीय प्रतिघात की बात करेंगे, किसकी, धारितीय प्रतिघात। थोड़ा अच्छे से समझिए बच्चों क्या हो रहा है वो समझिए। हमने जो फाइनल इक्वेशन लिखनी थी वहां पर अपन ने लिखा था जहां आई एम बराबर
ओमेगा सी वी एम, लिखा था नहीं लिखा था, लिखा था। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका भाग लगा दूं तो ये हो जाएगा आई एम बटा वी एम बराबर क्या ओमेगा सी, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा वी एम बटा आई एम बराबर क्या, इसका उल्टा करो वन अपॉन ओमेगा सी। गौर कीजिए वी एम अपॉन आई एम एक तरीके से प्रतिरोध है, ठीक है, लेकिन ये प्रतिरोध की भांति कार्य तो कर रहा है, और ऐसा प्रतिरोध है जो आवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। ऐसा प्रतिरोध जो आवृत्ति पर निर्भर करता है उसे हम प्रतिघात में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो हम उसे प्रतिरोध की जगह क्या बोलते हैं प्रतिघात। चूंकि इस प्रतिघात में धारिता का व्यंजक आ रहा है इसलिए इसे कौन सा बोला धारित्य प्रतिघात। ये धारित्य प्रतिघात क्या करेगा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, यही तो काम है इसका। तो धारित्य प्रतिघात भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है अवरोध उत्पन्न करता है। अगर परिभाषा पूछी जाती है तो कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे जिस प्रकार प्रतिरोध किसी परिपथ में धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा परिपथों में धारितीय प्रतिघात भी धारा के मार्ग में क्या उत्पन्न करता है अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए प्रतिघात को किससे प्रदर्शित करते हैं x से, चूंकि धारितीय था इसलिए लगा दिया c बराबर क्या वन अपॉन ओमेगा c। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया। अब यहां पर देखो ओमेगा नीचे की ओर आ रहा है तो x ही बराबर क्या वन अपॉन टू पाई एफ सी है, आवृत्ति के क्या है बच्चों व्युत्क्रमानुपाती, आवृत्ति बढ़ाओ प्रतिघात घटाओ है ना, जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ती जाएगी इसका अवरोध कम होता जाएगा इसका प्रतिघात कम होता जाएगा, क्या होगा भाई कुछ ऐसा x इधर आवृत्ति इधर और व्युत्क्रमानुपाती वाला ग्राफ आप सभी को पता है, ठीक है ना, एक्स अक्ष पे टच करोगे ना वाई अक्ष पे टच करोगे, ठीक। ये एक्स का मात्रक क्या होगा जल्दी से बताओ, मैंने लास्ट टाइम बताया था प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बच्चों कमेंट बॉक्स में मेरे को चाहिए कि प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, मैं नहीं बताऊंगा ये आपको खुद को पता होना चाहिए, और अगर कोई इसके साथ में इसका विमावर निकाल पाया तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है। तो प्रतिघात का धारितीय प्रतिघात का मात्रक और विमा जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में दिखना चाहिए। ऑलराइट कर लोगे आप, ठीक है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये चीज़ आप कर लोगे। ऑलराइट डन हो चुका ये, अब आगे एक ही ग्राफ बचा हुआ है ना, कौन सा ग्राफ बचा हुआ है बच्चों जिसमें हम शक्ति की बात करते हैं। चलिए ये धारिता है बच्चों, धारिता में आवेश की बात करते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी से, एल वाले परिपथ में हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे थे, चलो वो भी करके देखते हैं। तो ये फेजर आरेख समझ में आया ना, मोस्टली फेजर आरेख पूछा जाता है। ओके अब काम करते हैं आगे, देखो ज्यावक्रीय आरेख के हिसाब से ही बनता है ये शक्ति वाला आरेख है ना, टी इस तरफ बनाएंगे और ये यहां पर वोल्ट और धारा आएगी आएगी, वो ग्राफ मैं वापस से रीड्रॉ कर देता हूं। ऐसा देखिए ये वीएम होगा और धारा को कैसे प्रदर्शित करेंगे ऐसा कर देते हैं, ठीक है ये धारा हो जाएगी टी बाई टू टी टी बाई फोर और थ्री टी बाई फोर। अब समझिए अब अगर इस चीज को देखें तो यहां पर जहां जहां वो जीरो पे कोई भी चाहे धारा का वक्र हो चाहे वोल्टा का वक्र हो
ठीक है, जहां जहां वो जीरो पे टच हो रहा है वहां वहां तो आपको शक्ति के लिए जीरो बना देना है, तो ये सारे जीरो होंगे। अब यहां पे देखो कि अगर दोनों प्लस के हैं तो शक्ति वाला ग्राफ जाएगा प्लस का, और अगर एक भी माइनस का हो गया तो फिर जाएगा माइनस का, और अगर दोनों माइनस के हैं तो फिर वापस से प्लस का। तो हमने बोला यहां से लेकर यहां के बीच में धारा प्लस की, वोल्टता प्लस की, तो शक्ति वाला ग्राफ जाएगा प्लस का। ठीक है, यहां पे देखोगे धारा माइनस की, वोल्टता प्लस की, एक प्लस है एक माइनस है, गुणा करोगे तो माइनस आएगा। तो आप देखेंगे ये ग्राफ इसी तरीके से चलेगा। है ना, यहां पे देखो दोनों माइनस के थे, दोनों माइनस के थे इसलिए प्लस का, यहां पे एक माइनस का एक प्लस का है इसलिए माइनस का। आपको पता चलेगा कि ये जो शक्ति वाले आरेख में जितनी शक्ति अवशोषित होती है उतना ही संधारित्र जो है स्रोत को ऊर्जा वापस से भी प्रदान कर देता है। यहां पे स्रोत से ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, यहां पे उतनी की उतनी उसे प्रदान भी कर दे रहा है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। टी बाई फोर, टी बाई टू, थ्री टी बाई फोर और टी। अब इसके बाद में क्या बनाएंगे, किसका, देखिए Q इज इक्वल टू क्या, सी वी, तो Q समानुपाती V लिखते हैं, नहीं लिखते हैं धारिता वाले केस में, तो हम बोलते हैं आवेश का कर्व बनाना पड़ेगा, और आवेश का कर्व वही होगा जो किसका कर्व होगा, वोल्टता का। वोल्टता का कर्व तो यही था ना, ऐसा का ऐसा ड्रॉ कर दो, तो ये ऐसा, ठीक है, और ये किसका कर्व बोलोगे, आंसर बोलोगे सॉरी आवेश का। ठीक है, इस तरीके से ये कर्व बनाना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखिए कर्व बनाना जो है वो प्रैक्टिस की बात है बच्चों, आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आपके कर्व का फ्लो जो है वो उतना ही बढ़िया बैठता जाएगा। तो इसे फ्री हैंड बनाने की कोशिश करें, दो तीन बार बनाओगे आपके जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, और आपको फिर ये समझना पड़ेगा कौन आगे और कौन पीछे है। अभी तक हमें ये पता चल गया कि प्रतिरोध वाले परिपथ के लिए कलांतर शून्य था, फिर L वाले परिपथ के लिए कलांतर पाई बाई टू था, और धारा क्या थी, पीछे की ओर थी। संधारित्र वाले परिपथ के लिए कलांतर माइनस का पाई बाई टू था, लेकिन धारा जो थी वो आगे की ओर थी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। अब ये चीज अगर आपको ध्यान में रहेगी तभी काम बैठ पाएगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, एल वाले परिपथ में धारा पीछे की ओर, सी वाले परिपथ में धारा आगे की ओर। अगर ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो आगे वालों में तो डेरिवेशन नाम की ही चीज नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स को करेंगे और काम खत्म। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों लगातार वीडियो को देखते रहो, चैनल को सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।